नमस्कार दोस्तों, आरबी न्यूज लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश से एक बड़ी खबर। बने रहिए आरबी न्यूज लाइव इंडिया में और देखते रहिए अपने आसपास क्षेत्रों की बड़ी खबरें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। यह चैनल आरबी न्यूज लाइव का दूसरा पार्ट है जिसका नाम आरबी न्यूज लाइव इंडिया है। इसलिए दोस्तों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपके आसपास की खबरों को दिखाने के लिए हम तत्पर आपके साथ बने रहें और आप हमारे साथ जुड़े रहें। देखिए पूरा रिपोर्ट क्या है, पूरा मामला। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, पंचायत अधिकारों को किए वापस और पंचायत अधिकारियों से किया अपील, बोले कर्तव्य निष्ठा पूर्वक करे कार्य। खबर है मध्य प्रदेश सरकार के तरफ से पंचायतों के जो अधिकार वापस ले लिए गए थे, आज उसी अधिकार को मध्य प्रदेश सरकार शिवराज सिंह चौहान माननीय मुख्यमंत्री ने उस अधिकार को वापस किया है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का कहना है कि आज मैं फिर आपको तीनों स्तर की पंचायतों के अधिकार लौटा रहा हूं। आप सभी पूरी कर्तव्य निष्ठा और लगन से विकास के कार्यों को पूरा करें। वहीं विपक्ष के कुछ लोगों का कहना है कि सरकार मनमाने तरीके से अपने अधिकारियों का दुरुपयोग कर रहा है। जब जो चाहता है वापस देते हैं और जब जो चाहता है वापस ले लेते हैं, यह कैसा खेल है। काफ़ी लोगों ने इस पर टिप्पा टिप्पणी भी किया, लेकिन पंचायत के सारे अधिकारों को मध्य प्रदेश सरकार ने वापस किया है और लोगों से अपील किया गया है कि वो अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा पूर्वक तरीके से लगन से कार्य को करें। बने रहिए आरबी न्यूज लाइव पर और देखिए आगे की पूरी रिपोर्ट। अभी बीच में प्रशासकीय अधिकार आपसे वापस ले लिए गए थे, आज मैं फिर वो अधिकार आपको लौटा रहा हूं और तीनों स्तर पर लौटा रहा हूं। सरपंच पंचायत के स्तर पर सरपंच प्लस पंच मतलब प्रशासकीय समिति, जनपद के स्तर पर जनपद पंचायत के अध्यक्ष मतलब प्रशासकीय समिति के अध्यक्ष प्लस जनपद पंचायत के सदस्य, और जिला पंचायत के स्तर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष जो प्रशासकीय समिति के अध्यक्ष होंगे और उनके जिला पंचायत के सदस्य। आपको पूरी कर्तव्य निष्ठा से, पूरी प्रमाणिकता से, पूरी ईमानदारी से जनता के कामों को देखना है। मैंने प्रारंभ में कहा कि चुनी हुई व्यवस्था प्रशासकीय व्यवस्था के साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जवाबदेही जनता के प्रति होती है और इसलिए काम फिर से संभाल लीजिए। जब तक हमको अवसर मिलता है, हम सेवा का और समर्पण का नया इतिहास रचें। कोविड की जवाबदारी मैंने आपको दे ही दी, लेकिन उसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में विकास के काम और रोजगार मूलक काम ठीक से चले। मनरेगा जरूरतमंदों को रोजगार दे और गांव की आवश्यकता के अनुरूप निर्माण और विकास के काम हो, ये जवाबदारी आपको निभाना है।